तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आप प्लीज इग्नोर करिए, मेरे बाल गीले हैं, मैंने अभी अभी जो शावर लिया है। एक्चुअली मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज श्रावण का पहला सोमवार है और ये सब उसी की तैयारी चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम टू मॉमी जेस वर्ल्ड अगेन। और आज है श्रावण का पहला सोमवार और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। इट्स 5:45 और मेरा शार लेना हो गया है एंड इट्स मंडे। तो ये श्रावण का पहला सोमवार है, तो आप सबको श्रावण के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एंड अ ब्लेस्ड श्रावण सोमवार आप सबको। चलिए आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी एक्चुअली मैं अभी आरव को उठाऊंगी क्योंकि उसकी स्कूल है, इट्स मंडे तो उसकी स्कूल है, तो 7:30 अराउंड उसके सेशन ऑन होते हैं। तो पहले मैंने मॉपिंग कर ली एंड फिर मैंने शावर लिया है। अब मैं आरव को उठा दूंगी, तो मैं पहले वैसे ही किचन में मेरा कुछ नहीं किया। इट्स क्लीन एंड स्पार्कलिंग एज ऑलवेज, तो रात को क्लीन करके सोती हूँ। मैंने नाइट का किचन क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर किया है, तो उसे जरूर देखिए। तो गाइज वो मैंने धूप और थोड़े फ्लावर्स रखे हैं क्योंकि फिर मॉर्निंग है तो सुबह सुबह थोड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं जाके पहले पूजा करना भी स्टार्ट करूंगी और आरव को साइड बाय साइड आवाज दे दूंगी क्योंकि आरव जल्दी उठता नहीं है इसीलिए। और चलिए अभी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी चाय और फिर उसके बाद मैं आरव को उठा दूंगी, फिर पूजा। तो आपके साथ आज की पूजा शेयर करूंगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज दूंगी, शायद दो तीन दूंगी, सारी रेसिपीज तो नहीं दूंगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस मैंने बस मैरीगोल्ड रखे थोड़े से क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा थे मेरे पास। बहुत ही फ्रेश और रिफ्रेशिंग सी वाइब आती है, आसपास फ्लावर्स होते हैं तो स्पेशली मुझे आई लव फ्लावर्स। और ये मेरे बादाम है जो मैं रात को सोक करती हूँ, आप लोग जानते ही हो। तो गाइस लुक एट दिस, तो ये आज के ब्लूम्स है, फ्रेश ब्लूम्स लकीमी के मुझे मिल गए पूजा वाले दिन, अच्छे ब्लूम्स। अदरवाइज अगर नहीं भी हो ना और एक दो दिन एक्स्ट्रा हो तो मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ ग्लास के कंटेनर में, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी। तो ये है आज के लिए एक्स्ट्रा और मेरे पास दूसरे भी फ्लावर्स हैं। जब तक आरव के पापा और आरव उठ के शावर ले रहे थे तो मैंने सारे भगवान की मूर्तियां और मंदिर को क्लीन एंड ऑल करके सारा प्रिपेयर करके रख दिया, सब प्रिपरेशन करके। और अभी मैंने उनसे कहा, वो जब अभी ऑफिस के लिए, उनका भी ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने उनसे कहा कि आप भगवान का दिया आप कर दो। और तो सारा मैंने रेडी कर दिया था, तो अब वो जस्ट मुझे हेल्प कर रहे ताकि मैं कैप्चर कर सकूँ फिर यहाँ पे। गाइज ये सारे जो धूप अगरबत्ती जो भी मैं यूज करती हूँ ना, बहुत ऑसम है। और इन सब की डिटेल्स जो मेरे मार्गशीर्ष का जो वीडियो है ना उसमें है, मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड चेक दैट वीडियो, तो उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन सी है, ब्रांड्स कहाँ से मैं लाती हूँ, क्या है, एवरीथिंग इज देयर इन दैट वीडियो। तो गाइज श्रावण सोमवार को ना बेसिकली शिवलिंग की पूजा की जाती है और फिर उसे उस पर जो है धान चढ़ाया जाता है। वो धान जो भी होता है हर सोमवार को वो वहां पे जो कैलेंडर्स होते हैं उनमें मेंशन होता है। तो इस मंडे को जो है पहला वाला जो सोमवार है उसपे राइस था, चावल चढ़ाने थे तो नहीं पॉसिबल हो पाया। और मेरे पास यहाँ पे जो शिवलिंग है वो नहीं है। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि मुझे शिवलिंग लेनी है बट उन्होंने मना कर दिया था। तो गाइज फिर ये मेरी पूजा करना हो गया है और उसके बाद अब आफ्टरनून का लंच मेरे हस्बैंड और मेरे आरव के लिए, बिकॉज मेरा फास्ट है उनका नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी दाल खिचड़ी बनाऊंगी उनके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल, जो आरव को बहुत पसंद। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं मीठे से हमारी रेसिपीज बनाना। तो गाइज मैं आज बनाने वाली हूँ केसरी शीरा या फिर रवा केसरी यू कैन से, और केसरी भात भी कहते हैं इसे। तो ये पहली रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज जो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस की थी। तो बहुत ही सिंपल है बट बहुत डिलीशियस होता है, बहुत यमी होती है। तो आप ना लेकिन गाइस कभी भी सूजी या हलवा या फिर शीरा जो भी बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक मोटे बेस वाला बर्तन लो है। तो ये मैंने लिया हुआ है डीप वॉक, तो उसमें मैंने 1 कप घी, आपने जितना रवा लिया है सूजी ले रहे हो उतना ही आपको घी लेना है, तो ये मैंने घी ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें सूजी ऐड करूंगी सेम क्वांटिटी में, यानी कि 1 कप अगर मैंने घी लिया तो 1 कप सूजी। अब हम इस सूजी को लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे, और तब तक भूनना है आपको, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस आपको इसे कुक करने तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। गाइस मैंने इसे 5 to 6 मिनट्स अराउंड जो है अच्छे से भून लिया है, यानी कि अच्छे से सॉटे कर लिया है घी में। अब मैं इसमें ना इस स्टेज पे प्रेफर करती हूँ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना। अब चाहो तो पहले ही फ्राई करके ना इससे पहले आप निकाल सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे ऐड करना, इसलिए मैं हाफ डन होने के बाद करती हूँ ताकि
ड्राई फ्रूट जो है जले ना। तो मैं अब इसमें जो रेजिन्स है मनक का वो ऐड कर रही हूँ, चिरौंजी ऐड कर रही हूँ जिसे हम चारोड़ी कहते हैं, और कैशूज ऐड कर रही हूँ। आप इसे प्लेन भी रख सकते हो और आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। इसमें एक्चुअली कुछ नहीं भी ऐड करोगे ना तो भी ये फ्लेवरफुल लगता है, बट जब स्वीट होता है तो हम लोग ड्राई फ्रूट यू नो माइंड सेट होता है कि ड्राई फ्रूट होगा, तो इसीलिए मैंने काजू चिरौंजी और मनक्का ऐड किया है। तो अब हम इसे भी एक 2 से 3 मिनट सौते करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सूजी घी सब गर्म है, तो ये भी अच्छी तरह से यू नो जितने रिक्वायर्ड है उतने ही प्रॉपर भुन जाएंगे। गाइस जब तक हमारा सूजी हमारी ड्राई फ्रूट्स भुन रहे हैं तब तक मैंने एक दूसरे साइड वाले गैस पर यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो इसमें अभी फिलहाल मैंने कुछ ऐड नहीं किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करूंगी, अगर आपके पास है तो ऐड करिए वरना स्किप कर दीजिए, या फिर एक और चीज मैं आपको बताऊंगी उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा तो आप वो ऐड करिए, या फिर एसेंस है केसर वाला तो केसर एसेंस ऐड करिए। ओके तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या ऐड करना है। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया है, इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जो फूड कलर होता है केसर का वो ऐड करूंगी। तो गाइज लेकिन कलर ऐड करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, देखिए केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है, बट गाइज ये येलो कलर होता है, केसरी भात यूजली ऑरेंज कलर का होता है, तो ये रेसिपी डिमांड करती है, आप जानते हो मैं फूड कलर्स नहीं प्रेफर करती, बट एट टाइम्स जहां पे जरूरी होता है तो मैं ऐड करती हूँ, बहुत कम। तो बस इतना ही, आप देख सकते हो इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, राइट। तो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, आप अगर येलो कलर में प्रेफर करते हो तो आप येलो कलर से यूज कर लीजिए, ओके या फिर आप ऑर्गेनिक कलर भी यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये मैंने बिरयानी के लिए लास्ट टाइम लाया था तो इसीलिए मेरे पास था, तो मैं ऐड कर रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए पानी बॉईल हो रहा है अच्छे से, अब मैं इसी में थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड करूंगी, इलायची पाउडर हम बाद में भी ऐड करेंगे, बस थोड़ी सी। तो गाइज बस थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर दी मैंने यहाँ पे अभी, और अब हम क्या करेंगे, ये पानी गाइज ना 2 कप है, ओके लेट मी टेल यू, मैंने 1 कप सूजी ली थी तो मैंने 2 कप पानी लिया है, ओके आपको दूध नहीं लेना है, जो प्रसाद होता है सत्यनारायण का शीरा उसमें दूध पड़ता है, इसमें दूध नहीं पड़ता है, केसरी भात में पानी ही पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहो तो हाफ मिल्क और हाफ पानी कर सकते हो। तो मैं ये फ्लेम ऑफ कर दी है, और ये देखिए मैंने इसके नीचे भी फ्लेम फिलहाल ऑफ कर दी पर मैं भी ऑन कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जले ना हमारा जो सूजी है वो एक्स्ट्रा बर्न ना हो, इसीलिए। तो अब हम इसमें ये जो हमने पानी बनाया सिरप, आप इसी में अगर चाहो ना, अगर आप चाहो तो इसी में शुगर भी ऐड करके, शुगर मेल्ट हो जाए उसके बाद आप पानी यहाँ पे ऐड करिए, बट अभी फिलहाल मैं ऐसे नहीं कर रही, शुगर मैं बाद में ऐड करूंगी। तो अब मैं देखिए पोर कर रही है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अदरवाइज ना पानी उछलेगा, वो इसीलिए ताकि मैंने जो है शुगर गैस फ्लेम ऑफ कर दिया, अदरवाइज जो है ये काफी उछलता है, तो आप देख सकते हो। तो अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो गाइज ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया था ना, तो अब ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है पानी सारा सोक, और अब ये केसर भी अपना कलर से देते जाएगा। एंड एक और चीज गाइज मैं ना तब भूल गई थी, मुझे एक्चुअली पानी में वो चीज ऐड करनी थी, जो अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उस चीज से भी काम चला सकते हो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको मोदक की रेसिपी में ये चीज बताई थी, लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू। तो गाइज ये देखिए मेरे पास ना ये बादाम मिक्स का पाउडर है, ये हार्डली 3 रुपीज का आता है, छोटा सा पैकेट है, इसका बॉक्स भी मिलता है बट ये मैं छोटे पैकेट लाना प्रेफर करती हूँ, ये डीमार्ट में अवेलेबल है इजिली। तो ये बादाम ड्रिंक है, तो इससे आप, मैंने लास्ट टाइम मोदक में भी इसे ऐड किया था, अगर आपके पास मतलब अगर मोदक भी मैंने इससे बनाया ट्राई किया अच्छे होते हैं, और ये दूध में मिक्स करने की इंस्टेंट पाउडर होती है जो काफी यमी होती है, बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इससे भी काम चला सकते हो, 1 से 2 पैकेट ऐड कर दीजिए तो उससे भी फ्लेवर एनहांस होगा। फिलहाल मैं इसे ऐसी ही ऐड कर रही हूँ, 1/2 पैकेट ही है मेरे पास, तो इसमें भी ना केसर के स्ट्रैंड होते हैं, आप ये 2-3 पैकेट डाल दोगे ना इसमें तो उससे भी आपको थोड़ा सा केसरी सा इफेक्ट आएगा अगर केसर नहीं है तो, बिकॉज यू नो इसमें भी थोड़े से केसर के स्ट्रैंड होते हैं। तो गाइज जैसे कि अभी आप यहाँ पे थोड़ी सी बाफ है, स्टीम है, इसीलिए आपको इसका कलर नहीं दिख रहा है, प्रॉपर ऑरेंज है। तो गाइज अभी हमें इस स्टेज पे इसमें शुगर ऐड करनी है, एक बार सारा कुछ मिक्स हो जाए तो अभी मैं शुगर ऐड करूंगी। तो गाइज ये हमारी रेगुलर ग्रैन्युलेटेड शुगर है वो मैंने ऐड की है इसमें, तो अभी वैसी ऐड करिए, और मैं इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूंगी, एकदम ना पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है, इसलिए ऐसे कहते हैं कि स्वीट चीजों में सॉल्ट ऐड करने से उसका फ्लेवर और एनहांस हो जाता है, जो कि सच है। ओके सो आप भी ट्राई करिए, 1 से 2 पिंच आप सॉल्ट ऐड करिए। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइज मैंने इसे मिक्स कर दिया है, तो आप देख रहे हो शुगर जो है इसका सिरप हो रहा है। तो ये गाइज मैंने 1 कप सूजी ऐड की है, तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग, अगर आप नॉर्मल शीरा में जैसे ऐड करते हो, अगर आपके फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं समटाइम्स 3/4 कप करती हूँ, कोई कोई तो डबल ऐड करते हैं जितनी सूजी होती है उसकी डबल, तो आप अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो।
लेकिन आज मैं चेक नहीं कर सकती क्योंकि इसे भूख के लिए देना है तो मैं टेस्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए। तो अब मैं, आप चाहो तो इस स्टेज पे भी इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज आप बाद में ये शुगर जो है पूरी सिरप ना सोक कर लेगा जब ये सूजी, और ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब हमें लेड लगा के इसे 5 मिनट रखना है, तो आप उस वक्त भी इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, उससे फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रांग आता है कि क्योंकि वो फ्रेश ऐड करते हो ना आप, तभी लास्ट में जब आप ऐड करते हो। तो गाइज मैंने 5 मिनट बाद इसे ओपन किया है, तो ये देखिए घी साइड से रिलीज हो रहा है। गाइज ना डोंट वरी, ये ना बाद में थोड़ा सा, अभी पहले बनाया ना सबसे, तो बाद में आराम से ये थोड़ा सा सारा शुगर और जो घी है वो सोक कर लेगा, ड्राई हो जाएगा, इसीलिए डोंट वरी। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स मैंने आपको दिए, मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब आप इस स्टेज पे इलायची पाउडर अगर ऐड करोगे तो उसका फ्लेवर काफी स्ट्रांग आएगा, तो अभी आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा कर दिया था, तो ये थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है, और मैं मेरे पास है इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ, नहीं है तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं ऐड करने की। तो ये मैं थोड़ा सा केसर एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये सब एसेंस ना आपके पास होने चाहिए, इस पे भी एक वीडियो बनाऊँ क्या? तो एक जरूर ट्राई करूंगी, आगे ब्लॉग्स में कभी शेयर करूंगी सारे एसेंस जब मेरे पास अभी भी है वैसे तो। और कुछ एसेंस चाहिए मुझे जो खत्म हो गए, तो वो सारे मिल जाएंगे ना, फिर मैं आपको ब्लॉग्स में बताऊंगी कि आपके पास कौन कौन से एसेंस होने चाहिए घर पे। ओके सो ये मैं मिक्स कर रही हूँ। तो गाइज मैंने फ्लेम जो है ऑफ कर दी है, तो ये देखिए लुक एट द कलर, तो केसरी शीरा जो होता है उसका कलर ऑब्वियसली ऐसे ही होना चाहिए, तो इसीलिए। बट मैंने मोदक जो दिखाए थे वो ओरिजिनल थे, उसमें कोई कलर या कुछ नहीं था, केसरी मोदक ओरिजिनल वाले, उसका येलो था कलर प्रॉपर। लेकिन फिर अगर आपको ऑरेंज कलर चाहिए, क्योंकि केसरी भात केसरी शीरा का यही कलर होता है, तो लुक एट द सॉफ्ट, और देखिए कितना अच्छा बना है, राइट। तो अभी ये और घी एंड ऑल रिलीज भी करेगा और अच्छी तरह से पी लेगा, तो आप इसे अभी ढककर रख सकते हो। तो दिस इज डन नाउ, तो जरूर बनाइए और मुझे अपने फीडबैक देना मत भूलिए। तो गाइज एक टिप है कि अगर आपके पास केसर एसेंस नहीं है ना, और वेनिला एसेंस है क्योंकि कॉमनली होता है सबके घर पे, तो अगर वेनिला एसेंस है तो आप ना 2 से 3 मतलब 3-4 ड्रॉप वेनिला एसेंस के डाल दीजिए, उससे भी थोड़ा सा यू नो डिफरेंट लेवल पे चले जाएगा। एंड यू गोना, ये टिप आप जरूर ट्राई करिए। आप अपने रेगुलर शीरा में भी ना 1 टीस्पून जो है ऐड करके देखिए वेनिला एसेंस, आपका शीरा जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर इयर्स नाउ, सालों से कर रही हूँ मैं, एंड इट टर्न्स आउट सुपर यम्मी। तो गाइज ये है मेरा राइस प्लांट, और इसे मैंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट किया, एक्चुअली वो उस तरफ था राइट साइड में, अभी मैंने इसे यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अब मैं इसके ये लीव्स जो है ना ये कट कर लूँगी, तो हम शाम को जब राइस बनाएंगे तो हमारा राइस जो है काफ़ी फ्रेग्रेंट होगा। ये बासमती राइस का प्लांट है, इसको एक्चुअली बस भाताचा झाड़, इन मराठी वी कॉल इट भाताचा झाड़, मीन्स भात इन द सेंस राइस, और ये उसका प्लांट है। तो बस इस लीव्स को आपको कट करके राइस में डालना होता है। मैंने यहाँ से थोड़े से पत्ते कट कर लिए, और ये मैं अभी यहाँ पे फटाफट रोटियां बना रही हूँ क्योंकि इन्हीं सब चीजों में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं गोभी आलू और मटर की जो है येलो वाली सब्जी बना रही हूँ। एक्चुअली लीफी वेजिटेबल बनाती हूँ एट टाइम्स आलू की सब्जी, लेकिन फिर वो खा के थोड़ा सा बोर हो रहे थे हम लोग, तो इसीलिए सोचा कि आज मैं गोभी बनाती हूँ, आलू गोभी मटर, जो कि बहुत यमी बनती है। तो आज मैं ये ग्रीन चिलीज में बना रही हूँ, येलो वाली बनाऊंगी, मसाले वाले भी बनाती हूँ जो अगली बार कभी ब्लॉग में शेयर करूंगी आपके साथ। तो इसके लिए मैंने ये पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और थोड़ा सा जीरा डाला है। आप चाहो तो मस्टर्ड भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, छौक में आपके घर पे जो पड़ता है आप ऐड करिए। तो ये मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, और ये जो है ये मेरा भुना मसाला है, तो ये मैंने आज सुबह फ्रेश प्रिपेयर करके रखा है ताकि आज मेरे काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो पहले मैंने इसे फ्रेशली प्रिपेयर करके आज रखा है, यूज पहले वाला नहीं किया क्योंकि भगवान की भोग की थाली बन रही है ना, इसीलिए। तो ये भुना मसाला सारी चीजों में जाता है, तो ये वर्सेटाइल हो जाता है, इसीलिए मैं ये बना के रखना प्रेफर करती हूँ, लेकिन आज मैंने ये सुबह प्रिपेयर किया है। तो ये वो है, वो मैंने ऐड कर दिया है देखिए आफ्टर जीरा, और फिर अब मैं इसे भून रही हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ है बस मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा। तो इसके बाद मैंने इसमें करी लीव्स ऐड की है, तो आप देख सकते हो, तो ये करी पत्ते मैं ऐड कर रही हूँ, और जस्ट मुझे मिक्स करना है। देखिए कितना क्विक हो जाता है काम भुना मसाला की वजह से। इसका एक पूरा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है, काफी क्विक है, जिस 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और आपका
आधा काम सॉर्ट हो जाता है, यू नो यू आर सॉर्टेड फॉर योर कुकिंग। तो जरूर ट्राई करिए, काफी लोगों ने ट्राई किया और मुझे फीडबैक्स दिए और कॉम्प्लीमेंट्स दिए। और ये मैं ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ काट के, आप स्लिट करके ऐड कर सकते हो, बारीक काट के भी ऐड कर सकते हो। मुझे बारीक काट के ऐड करना पसंद है बट बिकॉज ऑफ आरव मैं नहीं करती, मैं बड़े काट के डालती हूँ तो सो दैट यू नो उसके मुंह में ना जाए। और जैसे ये मिक्स हो जाएगा अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। इसमें भुना मसाला में ऑलरेडी थोड़ी हल्दी है इसलिए मैंने अभी फिलहाल हल्दी ऐड नहीं की, बाद में मैं करूंगी। और ये मैंने छोटे चॉप करके ना आलू ऐड किया है एक अराउंड, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिए। मैंने एक मीडियम साइज का आलू ऐड किया है, बस इसे थोड़ा सा सॉटे करना है एक मिनट के करीब। और फिर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए, भुना मसाला में भी सॉल्ट है। और तो ये मैं ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। भुना मसाला की लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करिए। तो ये मैंने ऐड किया है और अब मैं इसे लिड लगाकर एक 4 से 5 मिनट के करीब ना आलू को थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूंगी, तो हल्का हाफ कुक नॉट फुल, थोड़े हाफ कुक होने दूंगी। तो जैसे हाफ डन हो जाएंगे ना फिर हम इसमें जो है हमारी कैबेज जो काट के रखी है ना वॉश करके वो ऐड कर देंगे बिना पानी के। तो आप रफली आपको जैसे चाहिए चॉप करें, मैंने हाथ से ऐसे आज रफली चॉप की है इसे। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे हरे मटर, जो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ गर्म पानी में मैं इसे रखती हूँ। ये फ्रोजन मटर है जो भी आप देखोगे, तो लेकिन मैं इसे गर्म पानी में एक्चुअली रखती हूँ फ्रोजन मटर को निकाल कर। और फिर अब पानी गर्म करके बस इसे ऐड करके डाल दीजिए। मैं माइक्रोवेव में ना एक मिनट इसे उबालना प्रेफर करती हूँ, 1 से 1.5 मिनट, तो ये प्रॉपरली कुक हो जाते नहीं आते। तो ये मैं ऐसे करके ऐड करती हूँ और अब इन्हें मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। और सॉल्ट ऐड किया है मैंने यहाँ पर और फिर इसे मिक्स करके हम इसे स्टीम पे कुक होने देंगे, ओके आराम से, तो जब तक के आलू कुक ना हो जाए। तो जैसे आलू कुक हो जाएंगे आपकी सब्जी डन है और फिर आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर या जो भी आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हो। तो अभी आप लिड लगा के इसे लो फ्लेम पे आपको कुक होने देना है, आपको इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है। कुछ लोग इसमें पानी ऐड करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ये स्टीम पे पक जाती है सब। तो गाइस लुक एट दिस, मैंने एक 7 मिनट के करीब, 7 से 8 मिनट इसे स्टीम पर लिड लगाकर, आपने देखा था कोई पानी या कुछ नहीं मैंने यूज किया है, मैंने बस स्टीम पे इसे कुक किया है। एंड सी इट्स डन नाउ, लेट मी शो यू लुक एट दिस। तो ये आपको बस तब तक ही कुक करनी है कि जब तक आलू जो है ना डन नहीं हो जाते। यू नो आप देख सकते हो, आप ये देखिए आलू जो है इजिली कट हो रहा है, दैट मीन आपकी सब्जी डन है। तो उससे ज्यादा भी आपको कुक नहीं करना। गाइस ये मैंने फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया है एंड ऑल्सो थोड़ा सा स्क्रेप वाला, मैंने आज एक्चुअली ग्रेट किया है, बहुत जल्दी थी मुझे। तो गाइस ये कोकोनट और जो है मैंने कोरिएंडर ऐड कर दिया, एक बार मिक्स कर दूंगी तो बस, और 2 मिनट से स्टीम करेंगे एंड इट्स डन। जस्ट बिकॉज कोकोनट ऐड किया ना इसीलिए स्टीम किया। ये है मेरी चाय और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग में, तो आज तो फास्ट है ऑफकोर्स, चाय के साथ मतलब और कुछ तो नहीं। अब तो अब मुझे बस राइस बनाना है और पकोड़े तलने हैं, फ्राई करने हैं। सो गुड इवनिंग मला, सो गाइस गुड इवनिंग। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, तो कुकिंग तो सारी मेरी हो गई है, बस मुझे अभी राइस कुक करना है। इट्स अराउंड 7, अभी जस्ट मैंने दिया किया है। और ना यहाँ का यू कैन सी समथिंग मिसिंग इज चॉक बोर्ड, मैंने निकाल लिया है क्योंकि मुझे उस पर कोट चेंज करना है कल रात को। मैंने उसे क्लीन करके पोंछ के इनफैक्ट वाइप करके रख दिया था कि बट आज का स्केड्यूल इतना टाइट था तो मुझे नहीं पॉसिबल हो पाया वो, तो मैं आपको अगले ब्लॉग में शायद दिखेगा कि कोट मैंने चेंज कर दिया है। काफी दिन से मैंने उसका कोट चेंज नहीं किया था एक्चुअली, क्योंकि काफी अच्छा था वो और चाय वाले कोट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड काफी अच्छा बना था, तो आई जस्ट डिडन्ट वांट टू इरेज इट, तो मुझे पोंछना नहीं था, तो बट स्टिल आई वाइप्ड इट। तो चलिए अभी कुकिंग तो हो गई, मुझे राइस बनाना है और पकौड़े फ्राई करने हैं क्योंकि वो अभी होंगे ना। तो इट्स अराउंड 7 नाउ, तो मैं अपनी चाय ले रही हूँ बिकॉज आई वॉज फास्टिंग टूडे, मैंने शायद आपको सुबह बताया नहीं, पता नहीं। तो मेरा सोमवार एंड सोमवार यानी कि श्रावण का जो सोमवार होता है मंडे एंड सैटरडे आई फास्ट, सारे पूरे साल भर के नहीं करती बट कुछ कुछ स्पेसिफिक बड़े बड़े वाले जो व्रत होते हैं वो मैं करती हूँ। तो बस वो मैं अपनी चाय ले लेती हूँ अंदाज से। तो कमाम नाउ अभी सिर्फ राइस बनाना है, तो मैं अभी राइस चढ़ा के चाय खत्म करती हूँ, फिर मैं अभी हमें भगवान को भी भोग दिखाना है, तो भगवान की नैवेद्य, हम जिसे नैवेद्य कहते हैं, तो नैवेद्य की थाली निकालेंगे एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो उसके आगे मैं ब्लॉग कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि अभी आपको फिलहाल नहीं लग रहा है आपके सामने मैं बात कर रही हूँ, बट मेरी और मेरे फोन की बैटरी, दोनों की बैटरी लो है,
तो आई एम जस्ट गोना कोलैप्स, क्योंकि आफ्टर पूजा और सब करने के बाद इनको मैंने दोपहर को दाल खिचड़ी बना ली थी फॉर दिस पीपल, तो उन्होंने दाल खिचड़ी खा ली थी दोनों ने. एंड देन आई स्टार्टेड कुकिंग फॉर इवनिंग, क्योंकि काफी टाइम चला जाता है और उसमें फिर उसमें वीडियो भी बनाओ तो और डबल टाइम लगता है, तो इट टेक्स माई होल डे. सो कुकिंग तो हो गई है एंड देन आई जस्ट अगेन फ्रेशन अप हुई, अभी अगेन दिया के आया ना इन चेंज्ड अवतार अगेन. तो चलिए अभी आई डोंट नो मैं ब्लॉग कहाँ जाएगा, साइनिंग ऑफ कर पाऊंगी या नहीं, तो लेट्स सी. मैं चाय खत्म करती हूँ और फिर हम राइस बनाते हैं. ओके गाइस, तो इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि ये क्या है, आपने उनमें मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसके पत्ते निकाल के रखे थे, तो ये वो है. तो गाइस इससे करना क्या होता है कि इसे आपको कट करके जो है आपका राइस को कोरा होता है ना उसमें ऐड करना होता है. तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर. तो ये देखिए मैं इसके पीसेस कट करती हूँ छोटे छोटे, एकदम छोटे मत करिए ताकि आपको बाद में इसे डिस्कार्ड भी आपको करना होता है ना, तो एकदम छोटे मत करिए. तो ये मैं इसके छोटे ऐसे पीसेस कर रही हूँ और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. ओके तो गाइज यहाँ पे राइस कुक हो रहा है तो उसमें मैंने लीव्स ऐड कर दी, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ. लुक एट दिस, तो ये मैंने कुक करने राइस में डाल दिया है, प्लेन राइस है कुछ नहीं है. चलिए अब राइस के बाद मुझे पकौड़े तलने हैं, मैंने अपना सारा काम खत्म कर. व्हाट आई डू, आई डोंट कुक राइस इन प्रेशर कुकर, मैं वी प्रेफर स्टीम राइस, तो हम एवरीडे स्टीम राइस ही प्रेफर करते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, पानी डिस्कार्ड करना होता है तो इसीलिए फिर मैं उस वक्त डालती हूँ और फिर निकाल लेती हूँ. तो गाइस अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो राइस या फिर पानी आप नहीं डिस्कार्ड करते, आप स्टीम राइस नहीं रेगुलर राइस बनाते हो, तो इन दैट केस तो और फ्रेग्रेंट होगा आपका राइस और बासमती फ्लेवर देगा. जो भी रेगुलर कोई भी राइस आप यूज कर लो, छोटा बड़ा वॉट एवर, इट विल गिव फ्रेग्रेंट. तो जब कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है ना, जैसे अभी श्रावण है, तो वी डू इट. इसकी बहुत ऑसम सी स्मेल आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद है. तो मैं जब ऐसे मूड भी होता है ना, माइंड रिफ्रेश करना होता है, तभी मैं ऐड करती हूँ, तो ये बहुत ऑसम होता है. तो अब मैं फटाफट आपसे बाद में मिलती हूँ, क्योंकि मुझे सारा खाना ट्रांसफर करना है सर्विंग बोल से. तो चलिए मैं अभी आपको मिलती हूँ भगवान का भोग लगाते वक्त. एंड सो गाइस फाइनली इट्स रेडी, और अभी मैं भगवान का भोग निकाल रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या करती हूँ. तो दिस इज द मेन्यू फॉर टुडे, और ट्राई करके मुझे फीडबैक देना मत भूलिए. तो गाइस आज की सबसे बेस्ट बात पता क्या है, बनाना लीफ माय फेवरेट कितने टाइम बाद मुझे मिला है. तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे बनाना लीफ में खाना खाने मिलेगा. आई जस्ट लव टू ईट इन बनाना लीफ. तो ये मैं भगवान का भोग निकाल रही हूँ, तो ये ऐसे ही हमारे में निकालते हैं, यूजुअली ऐसे ही निकाला जाता है कि किसी भी कटोरी के मदद से या स्कूप की मदद से आप ऐसे राइस के आपको जो है इसे मोदी कहते हैं इन मराठी, तो वो किया है. और उसके ऊपर आपको दो निकालने होते हैं, एक पे दही और एक पे जो है दाल होती है. एंड जो भी आपने सब्जियां बनाई हैं, रोटी बनाई है, स्वीट बनाया है, वो अकॉर्डिंगली आपको रखना होता है. जो भी पकौड़े जो भी आप बनाते हो, बाहर से रेडीमेड कुछ नहीं होता, सब सारा कुछ होममेड करना होता है. ये वाल की जो सब्जी आप देख रहे हो, ये मैं आपको ना लास्ट व्लॉग में दूंगी, जब लास्ट रावण का व्लॉग होगा तब. आप ये सोच रहे हो कि वो दूसरा छोटा पत्ता किस लिए है, तो एक्चुअली वो गाय का नैवेद्य होता है. गाय का पत्ता जो नैवेद्य है वो गाय के लिए निकाला जाता है. गाइज जस्ट फिनिश, और अभी भगवान को भूख लगा दी है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी हम लोग डिनर कर लें. तो गाइज अब डिनर सर्व हो गया है. ये पत्ता जो है ये मेरा है, मतलब मैंने लिया है नैवेद्य का पत्ता, क्योंकि मेरा फास्ट है. ऐसे कोई नहीं है, कोई भी खा सकता है, बट लाइक अब मुझे नहीं लगता मैं आगे व्लॉग कर पाऊंगी. तो गाइज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, और मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ. अंटिल देन मॉमी जे साइनिंग ऑफ, बाय, लेट मी एंजॉय माई डिनर.